यहाँ आज भी शेषनाग के हुंकार से आज तक उबलता है यहाँ का पानी। दोस्तों यूँ तो मनाली घूमने फिरने वालों की पसंदीदा जगह है, वहाँ की वादियाँ नज़ारे किसी को भी मोह लेते हैं। लेकिन दोस्तों मनाली में एक धार्मिक जगह ऐसी है जहाँ बर्फीली ठंड में भी पानी उबलता रहता है। जी दोस्तों हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो चलिए आज जानते हैं उस जगह के बारे में। दोस्तों इस जगह का नाम है मणिकर्ण। दोस्तों मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा हुआ है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल भी है। ये समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। दोस्तों मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ पर बार बार आते हैं। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान होते हैं यहाँ पर आकर स्वस्थ और सुखी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उपलब्ध गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन नहाने के बाद ये सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। दोस्तों खोलते पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग के गुस्से की वजह से यह पानी उबल रहा है। कहा जाता है कि शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ पर एक दुर्लभ मणि फेंक दी थी और इसी वजह से यह चमत्कार हुआ और ये आज भी जारी है। मणिकर्ण में शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए ये मणि क्यों फेंकी, इसके पीछे की कहानी भी काफी अनोखी है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार मणिकर्ण एक ऐसा सुंदर स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने करीब 11,000 वर्ष तक तपस्या की थी। जी दोस्तों माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कानों में लगे आभूषणों की एक दुर्लभ मणि पानी में गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मणि नहीं मिली। इससे भगवान शिव बहुत नाराज हो गए, ये देख देवता भी कांप उठे। दोस्तों शिव का क्रोध ऐसा बड़ा कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र तक खोल लिया था, जिससे एक शक्ति पैदा हुई और उसका नाम पड़ा नैना देवी। दोस्तों नैना देवी ने बताया कि वो दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणियों के साथ इस विशेष मणि को भी वापस कर दिया। हालांकि वो इस घटनाक्रम से काफी नाराज भी हुए। शेषनाग ने जोर से फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। दोस्तों मणि वापस पाने के बाद पार्वती जी और शंकर जी प्रसन्न हो गए और तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। दोस्तों हम बता दें कि हिमाचल के मणिकर्ण का ये गुरुद्वारा भी बहुत प्रख्यात है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखित त्वरिक गुरु खालसा में ये वर्णन है कि मणिकर्ण के कल्याण के लिए गुरु नानक देव अपने 5 चेलों संग यहाँ पर आए थे। दोस्तों गुरु नानक जी ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांग कर लाने के लिए कहा। फिर गुरु नानक ने भाई मर्दाना को जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ से कोई भी पत्थर उठाने के लिए कह दिया। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो वहीं से गर्म पानी का स्रोत बहना शुरू हो गया। दोस्तों ये स्रोत अब भी कायम है और इसके गर्म पानी का इस्तेमाल लंगर बनाने में किया जाता है। कई श्रद्धालु तो इस पानी को पीते और इसमें डुबकी तक लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। जी दोस्तों महाभारत के ग्रंथकार महर्षि वेदव्यास ने अपने भविष्य पुराण में लिखा था कि गुरु नानक के बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने 5 प्यारों संग मणिकर्ण के दर्शन करेंगे।